गुड मॉर्निंग यू ऑल डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। कल के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए आप जानते हैं कि दोनों को आर्डर सेम होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स ये 2x2 का है, ये भी एक मैट्रिक्स है 2x2 का। तो ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। तो ये A11 पोजीशन पे है, तो ये भी A11 पोजीशन पे होगा। तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो A प्लस A दिस इज इक्वल टू 2A एंड दिस B प्लस B ये A21 पोजीशन पे माइनस B A21 पोजीशन पे B एंड ये A प्लस A, तो ये वैल्यू आएगी आपकी A प्लस A दिस इज इक्वल टू 2A, B प्लस B दिस इज इक्वल टू 2B एंड माइनस B प्लस B दिस विल बिकम्स इक्वल टू 0 एंड A प्लस A दिस इज इक्वल टू 2A। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम है उसका भी ऑर्डर इक्वल है, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को सॉल्व करना है उसको। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। A11 पोजीशन पे है cos स्क्वायर x, ये है sin स्क्वायर x। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये होगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। A21 को करें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, A21 पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। A12 साइन स्क्वायर एक्स, A12 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिस विल बिकम्स इक्वल टू 1 एंड दिस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस आल्सो बिकम इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस आल्सो बिकम इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आप यही आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 2x2 का मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 3x3 का मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करना होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।